Now the next is question number 5. 5, 6 and 7 all are important. A container shaped like ka right circular cylinder. Ek container hai cylindrical shape ka jiska diameter hai 12. Cylinder hai. Cylinder ka diameter hai 12 cm. So cylinder ka radius aa gaya 6. Aur height hai cylinder ki 15 cm. Is full of ice cream. Is container mein ice cream filled hai. The ice cream is to be filled into cones. Ice cream ko container mein se aapko cone mein fill karna hai. Jiski height hai, cone ki height hai 12 cm aur diameter hai 6. To radius aa gaya cone ka 6 by 2, that is 3 cm. Having a hemispherical shape on the top. कोन की जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हेमिस्फेरिकल है. अगर आपने आइसक्रीम कोन देखा हो तो उसमें जो ऊपर वाला पोर्शन होता है हेमिस्फेरिकल और नीचे कोन की शेप है. तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ सच कोन्स. कितने इस आइसक्रीम कंटेनर में से कितने कोन्स आप आइसक्रीम के फिल कर सकते हो. किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, सिलेंडर शेप में है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स कितने फिल करोगे इनटू वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन. यही होगा, एक आइसक्रीम का वॉल्यूम इनटू कितने फिल होंगे, इक्वल होगा सिलेंडर का. सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच. नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स मान लिए हमने एक्स. लेट नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स भी x. volume of one ice cream cone. Ice cream cone में conical shape है, उसका volume 1/3 pi r square h. Plus hemispherical भी है, 2/3 pi r cube. So volume of one ice cream cone is equals to volume of cone plus volume of hemisphere. क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन जो है उसका हेमिस्फेरिकल शेप में है. नाउ पुट द वैल्यूज. पाई कॉमन निकालेंगे, पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 1/3 भी कॉमन आ रहा है यहाँ से. आर स्क्वायर एच प्लस 2 r³ पाई आर स्क्वायर एच. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. नाउ पुट द वैल्यूज. रेडियस फॉर द सिलेंडर इज 6, हाइट इज 15, एक्स बाय 3, कैपिटल आर इज 3, 3 स्क्वायर 9 इंटू हाइट इज 12 प्लस 2 इंटू आर क्यूब, 3 क्यूब 27. ये आ गया हमारे पास x बाय 3, टेक 3 कॉमन, 3 इंटू 12 36, 9 इंटू 2 18. सो 6 इंटू 15, x हमें फाइंड करना है. 6 इंटू 15 अपॉन 36 प्लस 18, 54, 3 2s are 10. तो x आ गया हमारे पास 10. सो नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स इज इक्वल्स टू 10. कितने आइसक्रीम कोन्स फिल कर सकते हैं इस कंटेनर की आइसक्रीम से, 10 कोन्स हम फिल कर सकते हैं. क्लियर? क्या किया हमने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स, कितने कोन्स फिल कर सकते हैं, इनटू वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन. जो आइसक्रीम कोन है उसका नीचे वाला पोर्शन कोन की शेप में है और ऊपर हेमिस्फीयर है. सो वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब. पुट द वैल्यूज एंड देन सॉल्व. Now next one, question number 6. Six में क्या given है हमें? How many silver coins 1.5 centimeter in diameter? Coins दिए हैं जिसका diameter है 1.75, radius हो गया 1.75 by 2, 175 by 200. सेवन बाय एट सेंटीमीटर.
and its thickness is 2 millimeter. Thickness means इसकी width, तो क्या होगा हमारे पास? Thickness is 2 millimeter. Unit हमारे पास centimeter में है, तो हम इसे change कर लेते हैं centimeter में, 2 by 10 centimeter. Now must be melted to form a cuboid, जिसके dimensions दिए हैं length, breadth and height is 3.5. जब भी हमें किसी भी चीज को solve करना है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है question में कि सभी unit same हो. अगर unit same नहीं है, तो हमें उसे same करना पड़ेगा. Now how many silver coins? Number of silver coins find करने हैं. तो किसके equal होगा? Cuboid बनाया गया है उसे. So volume of cuboid is equals to number of silver coins into volume of one silver coin. अगर आप coin को देखो, कोई भी 1 rupee coin, 2 rupee, 5 and 10 rupee, तो आप कहोगे कि वो तो circular shape में होता है, लेकिन उसकी एक thickness भी होती है, मोटाई होती है कि थोड़ा सा मोटा होता है. Thickness होने के कारण वो हमारा circular shape नहीं, cylindrical shape गिना जाता है. तो हमारे पास जो volume of silver coin होगा, कौन सी shape होगी? ये cylinder. Volume of cuboid, let number of silver coins be x, volume of this is pi r square h. These heights are different, let it be capital H, that is thickness. Now length is 5.5, 55 by 10 into 10 into 35 by 10, x into pi, radius is 7 by 8 and thickness is 2 by 10 centimeters. 7, 2 fours are 8, 2, 10, क्या आया हमारे पास? 55 into 35 by 10, 55 into 35, 1925 upon 10, x into 11 into 7, 8 into 2, ये आ गया हमारे पास. तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. मल्टीप्लाई रिवर्स हो जाएगा, दूसरी साइड जाएगा, 0 से 0 कैंसिल. नाउ इसे सॉल्व करेंगे. 77, 11, 7, 11, 1s are 11, 82, 7, 65, 7, 2s are 14, 35, 7 5s are 25 into 16. Multiply karenge 25 into 16, 400. Therefore, number of silver coins is equals to 400. Clear? Kya kiya humne? Silver coins ko cuboid shape mein melt करके cuboid shape बनाई गई थी. तो volume of cuboid is equals to number of silver coins into volume of one silver coin. क्योंकि coin की thickness भी होती है, इसलिए जो coin होगा उसकी shape होगी cylindrical, और cylinder का volume होता है pi r square h. Put the values and then solve. So we get number of silver coins as 400. Next is 7th. इसमें हमें क्या गिवन है? अ सिलेंड्रिकल बकेट. एक बकेट है सिलेंडर की शेप की, विद रेडियस ऑफ बेस 18 एंड हाइट इज 32 सेंटीमीटर में है दोनों. फिल्ड विद सैंड, मिट्टी से भरी है. दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड. आपने बकेट को उल्टा करके उसमें ग्राउंड पे उस सैंड को रख दिया, और जो ग्राउंड पे उसकी ढेरी लगी, हीप बनी, वो बनी कॉनिकल शेप की. तो कॉन की शेप की ग्राउंड पे आपने रखा, इसकी मिट्टी को पलटा तो कॉन की शेप में. इफ द हाइट ऑफ कॉनिकल हीप इज 24, हाइट दी है 24, फाइंड द रेडियस एंड द स्लांट हाइट एल. ये हमें फाइंड करना है.
तो सिलेंडर के केस में रेडियस है 18, हाइट है 32 और कोन के शेप में हमें हाइट पता है 24, रेडियस और स्लैंट हाइट हमें फाइंड करनी है। दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा क्योंकि जो सिलेंडर में मिट्टी थी उसी को एम्प्टी किया गया और कोन की शेप में रखा उसे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कोन को हम कैपिटल एच और कैपिटल आर से लिख लेते हैं फॉर डिफरेंस। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, रेडियस इज 18, हाइट इज 32, रेडियस हमें फाइंड करना है, हाइट इज 24, 3 8s are 24, सो आर स्क्वायर 18 × 18 × 32/8, ये आ गया हमारे पास। सो आर 18 × 18 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, स्क्वायर रूट से बाहर अगर दो फैक्टर है स्क्वायर रूट में एक आ जाएगा 18 और 2, तो रेडियस हमारे पास आ गया 36 सेंटीमीटर। एक चीज हमने फाइंड कर ली, अब हमें कोन की स्लांट हाइट फाइंड करनी है। स्लांट हाइट ऑफ कोन किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला है हमारे पास एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रेडियस हमारे पास आया 36 और हाइट आई 24। इजी कैलकुलेशन के लिए हम 36 को 12 × 3 लिख सकते हैं और 24 को 12 × 2, तो 12 स्क्वायर अलग अलग लिख सकते हैं इन टर्म्स को, इंटू 2 स्क्वायर, 10 स्क्वायर कॉमन आ गया, हमारे पास बचा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब हमें L निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस 12 स्क्वायर है तो 12 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 9 + 4, दैट इज 12√13 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट हमारे पास कितनी आई 12√13। रूट 13 की अगर वैल्यू एग्जाम में गिवन है तो आप पुट कर सकते हो, अदरवाइज एज इट इज छोड़ सकते हो, दैट इज 3.61। सो इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई किया 12 × 3.61, दिस इज इन सेंटीमीटर, क्या आया हमारे पास 43.32 सेंटीमीटर। सो स्लांट हाइट इज दिस। हमें दिया था कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसमें मिट्टी भरी है, उसे हमने ग्राउंड पे एम्प्टी किया तो जो हीप बनी डेट इज इन द फॉर्म ऑफ शेप ऑफ कोन। तो हमें कोन का रेडियस और हाइट गिवन है, रेडियस और स्लांट हाइट फाइंड करनी है क्योंकि इसी मिट्टी को पलटा गया ग्राउंड पे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, पुट द फॉर्मूलाज, जो वैल्यूज हैं पुट करेंगे, तो रेडियस ऑफ कोन आया 36, देन स्लांट हाइट ऑफ कोन इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पुट द वैल्यूज एंड देन सॉल्व।